subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कोरोना वायरस ने मजीद 58 जिंदगियां छीन ली। हुकूमत पाकिस्तान ने चीन की कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन खरीदने का फैसला कर लिया। अदालती हुकुम के बावजूद अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिम उमर शेख को रिहा न करने पर सिंध हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासजात केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद को नया चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी तैनात कर दिया गया। नेशनल हाईवे 5 की मरम्मत के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान 100 मिलियन डॉलर्स का मुआहदा तय पा गया। दस्तखत की तकरीब में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और चीनी सफीर ने शिरकत की। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसों की फराहमी का मुआहदा हो गया। गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल ने शहर कायद के आवाम को खुशखबरी सुना दी। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर आला ग्रीन क्वालिटी 75% फूड ग्रेड अल्कोहल नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फॉर्मूला आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट, लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 9059566699। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,695 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में 2,475 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक दिन में 58 अफराद जाबहक हो गए, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 10,105 अफराद मूजी मर्ज के बाद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,695 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में मजीद 2,475 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में मजमूई COVID-19 टेस्ट की तादाद 66,96,068 हो गई है, जबकि कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 4,79,715 है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 34,537 है, जबकि 2,206 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानेब वफाकी काबीना कमेटी ने चीनी कंपनी साइनोफार्म से कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि इब्तदाई तौर पर साइनोफार्म से 12,00,000 डोज खरीदी जाएंगी। वफाकी वजीर ने बताया कि वैक्सीन 2021 की पहली सहमाही में फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त लगेगी। फवाद चौधरी का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर आलमी तौर पर मंजूर वैक्सीन दरामद कर सकता है। अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल कत्ल केस में उमर शेख और दीगर मुलजिमान को रिहा ना करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डैनियल पर्ल कत्ल केस में अदालती हुक्म के बावजूद अहमद उमर शेख और दीगर मुलजिमान को रिहा ना करने पर चीफ सेक्रेटरी, जेल हुकाम और दीगर के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि एडवोकेट जनरल साहब, आपने क्यों नहीं छोड़ा मुलजिम को, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब दिया कि नोटिस जारी कर दें, हम तहरीरी जवाब देंगे। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करते हुए जेल हुकाम और दीगर से 7 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त चारों मुलजिमान अहमद उमर शेख, फहद नसीम, सलमान साकिब और शेख मोहम्मद आदिल की जानिब से दायर की गई है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मैं 7 मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुआ हूँ, मगर केस सिर्फ 21 करोड़ रुपए का बनाया गया है। नैब हुकाम को मेरे खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। इस हवाले से मजीद जानते हैं। एहतसाब अदालत में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ केस की समाअत एडमिन जज जवादुल हसन ने की। दौरान समाअत नैब हुकाम की जानिब से ख्वाजा आसिफ के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 23 जून 2020 को इंक्वायरी का आगाज किया गया था, उनसे मजीद तफ्तीश करनी है, लिहाजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। जज जवादुल हसन के इस्तफसार पर ख्वाजा आसिफ ने बताया कि 2018 में पहली पेशी नैब पिंडी में भुगती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि नैब हुकाम अपनी तारीख दुरुस्त करें, 2020 में मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई का आगाज नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि मैं 7 बार MNA मुंतखब हुआ, मगर केस सिर्फ 21 करोड़ का बनाया गया, जिस पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा, ख्वाजा साहब हो सकता है कि तफ्तीश हो तो पता चले कि 21 करोड़ और निकल आए। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि नैब हुकाम को मेरे खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ का 14 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया है और उन्हें 13 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मुफ्ती मुनीबुल रहमान 19 साल तक रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन रहे। उनके दौर में रमजानुल मुबारक और ईद के चांद का तनाज़े जोरों पर रहा। नई कमेटी में इस पार को महकमा मौसमियात और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदों को भी शामिल कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजारत मजहबी उमूर के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को रोयत हिलाल कमेटी का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई है, जिसके बाद रोयत हिलाल कमेटी में 19 अरकान शामिल किए गए हैं। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी में रागिब नईमी, हुसैन अकबर, मौलाना फजल रहीम, डॉक्टर यासिन जफर, मुफ्ती इकबाल चिश्ती, डॉक्टर मुफ्ती अली असगर, फैसल अहमद, सैयद अली करार, मुफ्ती फजल जमील, हाफिज अब्दुल गफूर, यूसुफ कश्मीरी, कारी मीरुल्ला, हबीबुल्ला चिश्ती और मुफ्ती जमीर शामिल हैं। नई कमेटी में सपारको, महकमा मौसमियात, साइंस टेक्नोलॉजी और वजारत मजहबी उमूर का एक एक नुमाइंदा शामिल किया गया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान 19 साल तक मरकजी चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन रहे। उनके दौर में रमजानुल मुबारक और ईद उल फितर के चांद का तनाज़ा जोरों पर रहा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई के दरमियान तवील अरसे तक नोक झोंक और चांद का तनाज़ा चलता रहा, जबकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान और वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी में भी इख्तलाफात रहे। मुफ्ती मुनीब वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से सालाना कैलेंडर के भी शदीद मुखालिफ रहे। पाकिस्तान और चीन के माबैन होने वाले मुहाइदे के तहत NH5 के 66 किलोमीटर पर मुश्तमिल 4 हिस्सों की मरम्मत की जाएगी, जिसमें हाला और मोरो का हिस्सा शामिल है। NH5 मंसूबे की तकमील से शुमाल जुनूब राबता बढ़ेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और चीन के माबैन नेशनल हाईवे 5 की मरम्मत के लिए $100 मिलियन ग्रांट माहिदा तय पा गया है। माहिदे पर दस्तखत की तकरीब वजारत इक्तिसादी उमूर में मुनक़िद हुई, जिसमें वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और चीन के सफीर ने शिरकत की। वजारत इक्तिसादी उमूर के मुताबिक मंसूबे के तहत NH5 के 66 किलोमीटर पर मुश्तमिल 4 हिस्सों की मुरम्मत की जाएगी, जिसमें हाला और मोरू का हिस्सा शामिल है। NH5 मंसूबे की तकमील से शुमाल जुनूब राबता बढ़ेगा। इस मौके पर वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का कहना था कि NH5 मुरम्मती मनसूबे के लिए चीन की तरफ से ग्रांट के शुक्रगुजार हैं। CPAC पाक चीन दोस्ती में बुनियादी अहमियत का हामिल है। इस मौके पर चीनी सफीर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ समाजी माशी तरक्की के लिए तआवुन जारी रहेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि बहुत जल्द ग्रीन लाइन मंसूबे पर बसें रवा दवा होंगी। विफाकी हुकूमत कराची की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भरपूर मदद फराहम कर रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। गवर्नर हाउस में नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद के 47वें खसूसी तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बताया कि ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए वफाकी हुकूमत का बसों के लिए मुहायदा हो गया है और जल्द ही बसें शहर में रवा दवा होंगी। गवर्नर सिंध कहते हैं कि वफाक शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और तरक्की के लिए भरपूर मदद फराहम कर रहा है। इस जमन में 50 जदीद फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स की फराहमी के लिए भी मुहायदा कर लिया गया है और ये सब कराची के लिए वफाकी हुकूमत का तोहफा है। गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए महकमा पुलिस की इस्तेदाद कार को मजीद बढ़ाया जा सकता है
ہمیں ملک و قوم کی خدمت کو اپنا شیوا بنانا ہوگا۔ پولیس افسران اور اہلکار اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے محکمہ پولیس کا نام روشن کریں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔ سبسکرائب ٹیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا نوٹیفیکیشن بٹن۔